फाइनली मैं और सागर चल दिए एक न्यू जर्नी के लिए। चलते हैं। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आज हमारे इस व्लॉग में। आज फाइनली हम पहुंच गए हैं लाल किले पर। लाल किले, इसके नियर में मेट्रो स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन है। और आपको एग्जिट होना है तो गेट नंबर 4 से आप एग्जिट होके सीधे थोड़ी सी दूर चल के आप लाल किले में एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं। भाई लाल किले के पास मॉर्निंग की चाय, गरम गरम सुबह की चाय है। ताओ की है भाई, फेमस चाय ना। चाय को मजा जरूर ले लाल किले पे। पर यार गाइस देखो, ताओ का बाल आ गया चाय में यार। इस बाल की वजह से आज उल्टी जरूर लग जाएगी। गाइस फाइनली हम वहां से चल दिए लाल किले में। लाल किला जो सांझा की एक बनाई गई इमारत है, तो सांझा ने बहन सभी चीज बहुत अच्छी बनवाई। कारण है अब लाल भी की फिक्की हो गई है बारिश में, बट गए पर सफाई इन पर बिल्कुल भी नहीं हो रही। चलते हैं। बोलते हैं कि इन लाल दीवारों के कारण ही से लाल किला कहा जाता है। अब हमारे सागर भाई की ओर सुन लो बात। गाइस मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, मतलब लड़कियों को लड़कों को देखो घर से बता के आते हैं मम्मी आई एम गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज है देखो, कॉलेज अंदर पीटीसी बैठा है, अरे इन्हें पढ़ाएगा। भाई 80 रुपए का टिकट और देख लो पे बहन, तो घास भी नहीं हुई मंजरी ऊपर, इन पर 80 रुपए की कोई सफाई भी नहीं हुई। एक ही बहन कह रहा मैं अब पी गए और भीड़। एवरीवन फाइनली हम इस ऐतिहासिक इमारत पर पहुंच गए हैं। इसका निर्माण करीब 1638 से 1648 तक करीब 10 सालों तक चला और इसे हमारे शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। इसका मजबूती का कारण इसकी बलुआ पत्थर की दीवारें हैं जो आज भी ऐसी कैसी खड़ी हैं। चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूजियम बना हुआ है, उसे देखते हैं कैसा है। फाइनली हम बहुत कई 3-4 एंट्री के बाद अब यहाँ पर डायरेक्ट आ ही गए हैं। बस थोड़ी प्रॉब्लम आपको लाइन पेन में लगेगी। देखो आप लाइन दिख रही होगी आपको, कितनी लंबी लाइन है ये। बस हमने तो जुगाड़बाजी करी ही टिकट में, पर देखते हैं हम जितनी। तो दोस्तों यही है लाल किला जो आपको दिखाई दे रहा है। सांझा द्वारा बनाया गया इस लाल किले को 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में चयनित किया। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। बढ़िया है, ये मीना बाजार दिख रहा है मुझे लाइन भाई, शायद हम मीना बाजार में सही एंट्री हो रही है। पहले चूड़ी वूडी सब चीज है हमें। भाई मीना बाजार से निकट गई अब तीनों बाजार बजा। भाई अब देखते हैं फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। अब न्यू रोड निकलते हैं जो बहुत अच्छा है, फेमस है। हम भी अमन भाई नौते ही एंट्री होगी दोस्तों। गोल गोल घूमते हैं और इसे ड्रम हाउस बोलते हैं। इसी में फिर ढोल वोल बजाए जाते थे परेड के लिए। चलते हैं आगे। अब रास्ते दो तरीके से बोलते हैं, एक रास्ते दोस्तों पहुंच गए हमें दीवाने खास में, यानी खास महल में। यह राजा का निजी सभा कक्ष था। यहीं बैठकर मंत्रिमंडल की सभा होती थी। अगर इसकी बनावट की बात करें तो इसे पिटरा ड्यूरा से और आकृति इसकी पुष्प आकृति से मंडित स्तंभ बने हैं इसमें। क्या भाई दीवाने आम दीवाने आम महल है भाइयों। अब
ये खास महल बादशाह को निजी महल हो, एक ही बहन कर लो बादशाह ऐसे में लुटे करे हो, गेट पेट तो कहीं है ही ना। अरे ये निजी महल में कहीं गेट पेट तो है ही ना कहीं, बादशाह लुटे करे कौन हो। भाई देखी वो आगे जोन लोट टेक रहा हूँ, यही लोट टेक रहा भाई हूँ, पक्को नहीं लोट टेक रहा। दोस्तों ये हमाम यानी शाही स्नान घर बनाओगा भाई, ये हीरा महल है, यह है जफर महल जो बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। जफर महल इतना सही, इतना ही बनाया नहीं, इतने में छाती फट गई, मतलब गरीबी थी उस टाइम पे भी। मास्क लगाओ, स्पेशल लगाओ, ये भाई अंग्रेज जिन बस द्वारा बनाई गई। हम और चलते हैं, उसे और देखते हैं वो है क्या। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। छोटी छोटी चीजें बनाई, अरे महल वेल ना राजा बैठ के जसन देखा था। हाँ भाई, और राजा का ब्याह हुआ था यहाँ पे। देखो मंडप है, मंदिर आजादी का प्रतीक तो चलेगा। भाई देखो जो 80 का टिकट है वो 30 को आई हो, पहले बारे बताई नहीं। मंगल पांडे भी भाई 30 रुपए फालतू ले रहे हैं, सिक्के ही ले रहे हैं। वीडियो तो बना सकते हैं जी, सारी राधा।